AK-47। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने इस गन का नाम नहीं सुना होगा और न जाने कितने ही अनगिनत लोगों को इस गन ने मारा है। मुंबई में हुए 26/11 हमले में भी यही गन यूज की गई थी, AK-47, जिसे कलाश्निकोव मॉडल 1947 भी कहा जाता है। सोवियत असोल्ट राइफल, जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोल्डर वेपन है। AK का मतलब है ऑटोमेट कलाश्निकोवा, जो रशियन वर्ड है जिसका मतलब है ऑटोमेटिक कलाश्निकोवा। कलाश्निकोव इसके डिजाइनर का नाम है, जिनका पूरा नाम है मिखाइल टिमोफेविच कलाश्निकोव। 47 इसका वो साल है जिसमें इसका एक्सेप्टेड वर्जन डिजाइन किया गया था। इसको बाद में ऑफिशियली 1949 में सोवियत मिलिट्री ने अडॉप्ट कर लिया था। आज हम एनिमेशन के जरिए इसके आउटर डिजाइन, पार्ट्स के नाम और उनके यूजेस की बात करेंगे, और 3D एनिमेशन के जरिए अंत में मैं ये भी समझाऊंगा कि इसमें निशाना कैसे लगाते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके के गन से रिलेटेड 3D एनिमेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। AK-47, जिसको सिंपल टू ऑपरेट, तगड़ी और हर परिस्थिति में सही से काम करने वाली गन माना जाता है। US के लोग इसको बैड गाई के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। इसकी टोटल लेंथ है 87 सेंटीमीटर, बुलेट स्पीड या मजल वेलोसिटी यानी जब बुलेट गन से निकलती है तब की स्पीड, वो है 700 मीटर पर सेकेंड। इफेक्टिव रेंज है 400 मीटर, जिसमें सबसे बेस्ट काम करती है। इसके अलावा ये एक मिनट में 600 राउंड्स गोलियां दाग देती है। एक इम्पोर्टेंट बात, आपको जो पार्ट में दिखाऊंगा वो ऐसे रेड कलर में ग्लो करने लग जाएगा। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये है बट प्लेट, यानी लोहे की प्लेट जो गन को कंधे पे लगाए रखने में हेल्प करता है। आगे वाला पार्ट है ये बट स्ट्रोक या फिर शोल्डर स्ट्रोक, इसको तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये लकड़ी का बना वो पार्ट है जो गन को स्टेबल करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ये है पिस्टल ग्रिप, यानी गन का वो हैंडल जहाँ से गन पे ग्रिप बनाई जाती है। गन को राइट हैंड से यहीं से होल्ड करते हैं। ये है गन का रिसीवर यानी हाउसिंग ऑफ द गन। गन के मोस्टली मैकेनिकल पार्ट्स इसी के अंदर होते हैं। ये है रिसीवर कवर, हाउसिंग कवर या फिर डस्ट कवर, यानी इसको धूल मिट्टी से बचाने के लिए रिसीवर पे लगा हुआ कवर। ये है रिकॉइल स्प्रिंग बटन। रिकॉइल स्प्रिंग क्या है ये मेरे अगले वीडियो में आपको पता चलेगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि क्या अगला वीडियो में इसके इंटरनल पार्ट्स और वर्किंग मैकेनिज्म पर बनाऊं। हम बात कर रहे थे रिकॉइल स्प्रिंग बटन की, तो अभी के लिए ये समझ लो कि ये डस्ट कवर को खोलने का बटन है। ये है ट्रिगर, इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, इसी को दबाने से फायरिंग होती है। और ये है ट्रिगर गार्ड, जो ट्रिगर को प्रोटेक्ट करता है, जो अननेसेसरी एक्सीडेंटल फायरिंग से बचाता है। ये है फायर सिलेक्टर लीवर, इसी से डिसाइड होता है कि एक बार बटन दबाने पे कितनी गोलियां निकलनी है। इसके तीन मोड्स है, पहला है फुल ऑटोमेटिक, इसमें एक बार बटन दबाने पे पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, इसमें एक बार बटन दबाने पे एक ही गोली निकलती है। तीसरा है सेफ मोड, इसमें गन फायर ही नहीं करती है। अभी जो खड्डा सा दिख रहा है यही है चैम्बर, इसी के नीचे कार्टेज लोड होता है और फायर होने के बाद यहीं से एम्प्टी इजेक्ट होता है। ये है मैगजीन, इसी में राउंड्स डाले जाते हैं, इसमें एक बार में 30 राउंड्स डाल सकते हैं। ये है मैगजीन कैच, जो मैगजीन को होल्ड एंड रिमूव करता है। इसको कुछ इस तरीके से दबा के मैगजीन को थोड़ा सा रोटेट करके बाहर निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से वापस डाल सकते हैं। ये है रियर साइट, जो कि एम करने के लिए काम में आती है। इसका पूरा यूजेस अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। ये है फ्रंट साइट, इससे टारगेट को अलाइन किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें निशाना कैसे लगाते हैं। इसका रेंज है 400 मीटर। अब 400 मीटर की दूरी पर कोई दुश्मन खड़ा है और उस पर निशाना लगाना है तो कोई तो तरीका होगा जिसे निशाना लगाया जाता है। बस वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि दुश्मन को गन से कैसे अलाइन करें कि गोली उसी पे लगे। सबसे पहले अपनी आंखों को फ्रंट साइड और रियर साइड से अलाइन करते हैं, उसके बाद फोकस फ्रंट साइड पे करके फ्रंट एंड रियर साइड को अलाइन करेंगे तो इस टाइप का सिंबल बनता है। उसके बाद फ्रंट साइड, रियर साइड और टारगेट तीनों को अलाइन करके ट्रिगर दबा दिया जाता है। AK-47 से 700 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती गोली दुश्मन के शरीर को चीर के निकल जाती है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला वाला पार्ट है फोर हैंड ग्रिप। गन को स्टेबलाइज करने के लिए दोनों हाथों से गन को पकड़ना पड़ता है। राइट हैंड पिस्टल ग्रिप पे रहता है, लेफ्ट हैंड फोर हैंड ग्रिप पे रहता है। इसके ऊपर वाला पार्ट है हैंड गार्ड। जब अंदर बुलेट में ब्लास्ट होता है तो उसमें से गर्म गैस निकलती है, उससे ये एरिया पूरा गर्म हो जाता है। उस पे अगर गलती से हाथ टिक गया उसको जलाने से बचाने के लिए हैंड गार्ड होता है। बुलेट से निकली हुई गर्म गैस गैस चैम्बर से होती हुई गैस ट्यूब में आती है। गर्म गैस गैस ट्यूब में क्यों आती है अगर ये जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं इसके इंटरनल पार्ट और वर्किंग मैकेनिज्म का वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें इसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म 3D एनिमेशन के जरिए अच्छे से समझाऊंगा। अगला पार्ट है गैस ट्यूब लॉक। ये गैस ट्यूब को निकालने और लॉक करने के लिए होता है। अगला पार्ट है बैरल। यही वो पाइप है जिसके थ्रू ट्रेवल करके बुलेट गन से बाहर निकलता है।
ये है बैरल बुशिंग। ये और कुछ नहीं, बैरल के एंड में लगा एक बुश है जो बैरल को स्टेबलाइज रखता है। इसी के लास्ट छोर को मजल बोलते हैं, इसीलिए मजल से जिस स्पीड में बुलेट बाहर निकलती है उसको मजल स्पीड बोलते हैं। अगला और लास्ट पार्ट है क्लीनिंग रोड। ये रोड डिटेचेबल रहता है, इसको निकाल के आप बैरल को क्लीन कर सकते हैं। ये है कलाश्निकोवा की AK-47 जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। वीडियो का एंड करते हैं, उससे पहले एक विशेष सूचना। अगर आपको इस वीडियो को अपने चैनल के लिए यूज करना है तो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ दो काम करने होंगे। पहला तो ये कि आपको अपने वीडियो में मेरे चैनल को शाउट आउट देना होगा। दूसरा ये अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक डालना होगा। उसके बाद आप इस वीडियो को फ्रीली यूज कर सकते हैं, आपकी वीडियो पे कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। अगर गलती से स्ट्राइक आती भी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वो स्ट्राइक हटा दूंगा। अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए कि आपको इसके वर्किंग मैकेनिज्म वाला वीडियो चाहिए या नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स, ओनली 500 लाइक्स। मेरे को पता है इतना तो आप करवा ही दोगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।